दोस्तों, मैं आपका YouTube चैनल स्टॉक मार्केट दबंग पे फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक वीडियो की सीरीज चला रहे हैं और उसमें हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हिसाब से आने वाले समय में पोटेंशियल मल्टीप्लायर हो सकते हैं। और हमारी उस सीरीज में हमने ऑलरेडी लार्सन एंड टूब्रो, राणे ब्रेक लाइनिंग, ओलंबिक फार्मा, अरविंदो फार्मा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मणप्पुरम फाइनेंस, नेटवर्क 18 जो कि रिलायंस की कंपनी और बंधन बैंक जैसे दिग्गज कंपनीज में ऑलरेडी वीडियोज बना दिए हैं। अभी क्योंकि हमें अरविंदो फार्मा के ऊपर एक अपडेट आया था तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आप मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाएंगे अरविंदो फार्मा में तो वहां पे आप देखेंगे कि मोतीलाल ओसवाल ने इसका टारगेट 1030 बताया है। मोतीलाल ओसवाल इज बुलिश ऑन अरविंदो फार्मा, रिकमेंडेड बाय रेटिंग ऑफ द स्टॉक विद द टारगेट 1030। और उनका कहना है कि पिछले दो महीने में ये 20% के आसपास करेक्ट हो चुका है जो अपने इसका लाइफ टाइम आया था 967। और उनका पॉजिटिव स्टांस है ये चार पांच रीजन की वजह से। एक तो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन द आउटलुक ऑफ इंजेक्टेबल बिजनेस, इनका इंजेक्शन का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इनका ऑनगोइंग एफर्ट्स टू बिल्ड ए कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट पाइपलाइन। फिर तीसरा है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड फाइनेंशियल लिवरेज, कंप्लीशन ऑफ रेमिडिएशन मेजर एट द साइट्स अंडर रेगुलेटरी इश्यूज, एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफर्टेबल वैल्यूएशन एट 11.9 टाइम्स इट्स फाइनेंशियल ईयर 22 ईपीएस ऑफ 65 जो कि अभी 50 के आसपास है कंपेयर टू 5-ईयर एवरेज ऑफ 16। तो इसमें अपसाइड पोटेंशियल है दोस्तों, यही बात मोतीलाल ओसवाल भी बता रहा है। और वो कहते हैं कि हमारा आउटलुक क्या है, वी एक्सपेक्ट अरविंदो फार्मास्यूटिकल टू डिलीवर 15% अर्निंग सीएजीआर ओवर 2022 लेड बाय न्यू लॉन्चेस, इंक्रीज मार्केट शेयर इन इट्स की मार्केट ऑफ यूएस एंड ईयू जो की बड़ी प्रॉफिटेबल मार्केट है, एंड लोअर फाइनेंशियल लिवरेज, मीन्स इनका फाइनेंशियल लिवरेज भी अंडर कंट्रोल है। तो उन्होंने बोला कि वी वैल्यू अरविंदो फार्मास्यूटिकल एट 16 टाइम्स 12 मंथ फॉरवर्ड अर्निंग्स टू अराइव एट अ टारगेट प्राइस ऑफ 1030, reiterate buy. So they are very bullish on this stock. They, as you know, that मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, ये अपना एक ऑरा वैक्सीन इनकी यूएस सब्सिडरी, उनके साथ ये कोविड की वैक्सीन भी डेवलप कर रहे हैं। एंड बिफोर आई लीव आई जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरीज फ्रॉम द पास्ट वीडियोस, ये एक लार्ज कैप कंपनी है, करंट वैल्यूएशन 800 के नीचे है, लाइफ टाइम हाई 967 था, अभी ये प्रॉफिट बुकिंग के समय 770 के 760 के आसपास आया था। स्टॉक भी बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, लेस देन 16 पी, ROCE एंड ROEs अच्छी हैं, 18 के ऊपर हैं। अगर आप इनका वैल्यूएशन पी देखें तो सब फार्मास्यूटिकल स्टॉक से बहुत ही रीजनेबल है। देखिए द लोएस्ट अवेलेबल उसके ऊपर है 27.86, तो अभी भी उसकी आधी पी पे ये स्टॉक घूम रहा है, इसके बावजूद कि एक दिग्गज कंपनी और लार्ज कैप कंपनी है। इसमें अगर जून का क्वार्टर अगर आपको याद हो तो इन्होंने जून के 2019 में 636 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, और इस साल जून क्वार्टर में इन्होंने 781 का प्रॉफिट दिया था जो कि 145 करोड़ पिछले वाले से ज्यादा था, जो 20% से ज्यादा की ग्रोथ दर्शाता है। इसी तरह अगर आप एनुअल देखें तो मैंने आपको बताया था कि 2009 में 100 करोड़ से आज ये कंपनी 3000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमा रही है और बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई है। इनका रिजर्व देखिए अब 16752 करोड़ है और इनका जो बोरिंग है वो मात्र 5226 करोड़ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में है और इसमें कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। और लास्टली बिफोर आई लीव, दिस इज द मंथली कैंडल चार्ट, ईच कैंडल इज वन मंथ। एज यू कैन सी यहाँ पे इन्होंने 2016 में हाई बनाने के बाद ये एक साइडवेज में चला गया था, और जब अभी कोविड में इसने फाइनली 200 की मूविंग एवरेज टच के एक शार्प बाउंस बैक किया और लगातार चार महीने से ये ऊपर बाउंस बैक करता हुआ इसने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई को टच किया और वहां थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, और मुझे अभी लगता है कि यहां से ये शेयर ऊपर जाने के लिए तैयार है। इसका अगर हम रेंको चार्ट भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड अपना मेरे हिसाब से रिज्यूम कर चुका है और आने वाले टाइम में ये और ऊंची हाइट दिखाएगा। और एक बार इसने ये लेवल तोड़ दिया जो कि हमारे हिसाब से 890 के आसपास है, इस लेवल के ऊपर अगर मंथली चार्ट पे बंद हुआ तो ये हो सकता है कि इस तरह की रैली एक बार फिर से आने वाले कुछ चंद महीनों में दिखाए। इसी तरह अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो आप देखिए ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा था, दो तीन बार नीचे गया, ये कोविड के टाइम उससे बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, अब रिकवर करके फिर से ऊपर आ गया, और मुझे लगता है कि इसका एक लंबा 4-5 साल का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है। इसी तरह अगर आप रैंको चार्ट भी देखें तो ये रैंको चार्ट अभी प्रॉफिट बुकिंग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जानी चाहिए और जल्दी इसको अपनी जर्नी अपवर्ड स्टार्ट करनी चाहिए। एंड लास्टली इफ यू सी एट डेली चार्ट, और डेली चार्ट में भी देखिए ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये शेयर अक्यूमुलेट करते रहना चाहिए और ये आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देगा। थैंक यू, दैट इज ऑल आई हैव टू से इन माय अपडेट। कीप वॉचिंग आवर चैनल, एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आवर चैनल, एंड
Again, to reiterate that this is only for educational purpose, all the knowledge spoken on this channel, and this is not to be taken as a buy or sell recommendation. For that, you can consult your financial advisor and take decision accordingly, as the investment in financial market involves a risk if not understood correctly. Thank you and Jai Hind.